बहुत बढ़िया रहा भाई साहब, नहीं दिल जाते लेके आप बढ़िया रहा। नहीं यार मोटरसाइकिल ही बंद हो जाती है यार, बाइक तो बंद नहीं होती इसमें, पेट्रोल बाइक का ये है कि आपका बैटरी इतना गर्म खराब रहता है। अच्छा ट्रक वालों को कार वाले भी रात में अनजाने में बहुत फंसते हैं, अनजाना फंसता है, अनजान आदमी ही है, पूरी जानकारी और फंसेगा नहीं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स मैं जा रहा हूं कसौली और बुलेट से जा रहा हूं, बुलेट का अपना हाल ये देखो। कल ही मैंने सर्विस करवाई थी और ये जो हाल देख रहे हो बुलेट का, इस वजह से है क्योंकि एक तो किसान आंदोलन ने जो हाईवे बंद कर रखा तो अंदर अंदर से विलेज के एरिया से ले गया था, मे भी शायद बारिश वगैरह पड़ी होगी तो वहाँ पे रोड बहुत टूटी हुई थी। टूटी हुई होने की वजह से ना उसमें क्या गड्ढे इतने बड़े बड़े थे, अंदाजा था नहीं, गड्ढे में तो गया नहीं, जहाँ कीचड़ होता है ना, मिट्टी होती है जो, भाई उसमें लेके गया, मतलब बुलेट फंस गई। अच्छे वो तो भाई साहब बुलेट है कि प्रेशर की वजह से पहले गियर में निकल गई। अब मैं देखूंगा आगे वॉशिंग वगैरह वाला होगा तो उसे वॉशिंग करवाऊंगा। पजामे भी देखो गंदे वंदे से हो गए, मतलब लाइक 150 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चला दी है तो 150 और रह गई है। चंडीगढ़ भी आने वाला है, मतलब बस चंडीगढ़ आ जाएगा उसके बाद फिर कसौली चलेंगे, माता का मंदिर है। अभी दर्शन कर लिए माता जी के और मैं आपको बताऊं अब निकल रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को 60-70 किलोमीटर गाड़ी और गाड़ी चलानी है सर। बालकनी का व्यू ऑसम, नीचे झरना बह रहा है और गाइस ये होटल हमने लिया है, ये इसमें हम पहले एक बार रुक चुके हैं, ड्रीमलैंड नाम है इसका, कसौली के अंदर पड़ता है ड्रीमलैंड। और इसका मैं व्यू दिखाता हूँ देखो आपको, इसका देखो
नीचे पूरा झरना बह रहा है, दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है, आवाज़ आ रही है हमें। ये बेड और वॉशरूम, वॉशरूम भी ठीक है, अच्छा है। गीजर की फैसिलिटीज है, वो तो अभी अभी पहुंचा हूं मैं यार, बड़ी थक गया, मतलब ये लगा लो कि मैंने 450 के आसपास कंटिन्यू बुलेट चलाई है, वो भी दो जने बैठे हो, बैग टंगा हुआ, हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहा हूँ मैं, पानी गर्म करने के लिए रख दिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। 3 बज गए, सुबह 5 बजे से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और अब नहा रहा हूँ सबसे पहले जाके, क्योंकि नहाऊँगा तो फुर्ती आएगी। तो लो जी, नहा लिए, और नहाने के बाद अब थोड़ा सा खाना वाना ऑर्डर कर दिया है। एक जो रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा वाला वो है हमारा रूम, नीचे वाला, ये जो दिख रहा है, यहाँ पे चेयर दिख रही है आपको, ये वाला रूम है। तो सो इसमें ऊपर की वादियाँ अभी देखो, तो देखते हैं मार्केट का हाल क्या है। और ये घर देखो, घर तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार, बादल देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। सारे होटल हैं गाइस, ये देखो नज़ारा, ट्राई पॉटी ले आती मैंने, सामान लेकर आ गए, पानी की बॉटल लेकर आ गए, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि ना एक्चुअली में होता क्या है कि होटल में मिला था 30 रुपये का, बाहर मिला था 20 रुपये का, तो क्यों ना पैसे बचाए जाए, पैसा ही पैसा होगा कुछ भी। खाना आ चुका है, और ये रही हमारी बालकनी, ये देखो सामने व्यू देखो गाइस, बादल देखो, बादल ऑलमोस्ट पूरे नीचे आ चुके हैं, पूरे नीचे आ चुके हैं बादल, भूख लग रही है बहुत तेज, टाइम भी हो गया ज्यादा, तो फटाफट से खाना खाते हैं, टकाटक थोड़े से स्नैक्स वगैरह ये लेकर आया हूँ मैं, खाना लगा दो नहीं, खाना खा लो। हाँ हाँ खाना तो मतलब आप जब लगाओगे तभी तो खाएंगे, खा लूंगी। ये है पानी, और ये लेकर आया हूँ मैं आनंदा का, वो क्या नाम है इसका, मिल्क केक, ये प्लान चेंज, बाहर बैठ के खाना खाएंगे, बालकनी बहुत अच्छी है। सो चलो फिर बाहर बैठ के खाते, ये रहा खाना लगेगा बाहर, ये है दाल फ्राई, और ये है पनीर बटर मसाला, ये आनियन, ये पराठे, और प्लेन रोटी भी है, खाना बहुत होगा। Thank you.
गाइस खाना वाना खा लिया है और मतलब अब थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो थक भी ज़्यादा गए थे। ठीक है, लड़ना नहीं है। अबे मुझे पता होता आधा आधे दे दे। चल चलो खाओ चुपचाप। क्या तेरे को कहाँ से दूँ? अरे वो मुझे पता नहीं था, अगर पता होता ना आधे आधे दे देता। अब उसने देखा बाहर ले बेटा आधा लेके जाएगा। नहीं मानता ना इधर ये।